नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। आज 18 नवंबर और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का करंट अफेयर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और जितने भी हमारे साथी हैं वो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि लाइक जो है आपके बहुत कम होते हैं। या तो आपको क्लास पसंद नहीं आ रही है, और अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर किया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ। कल के रिवीजन में था अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 16 नवंबर को मनाया जाता है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत जो है 8वें स्थान पर रहा है। और शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। और दोस्तों 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा भारत अध्यक्षता करेगा। और बात करें कि किसने व्हाट्सएप के इंडिया प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है, तो अभिजीत बोस जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इनके साथ में जो मेटा के पब्लिक पॉलिसी प्रमुख थे राजीव अग्रवाल, इन्होंने भी इस्तीफा दिया है। किस स्पेस कंपनी द्वारा आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया गया, तो ये आपको पता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। सी वाला ऑप्शन सही होगा। बात करें कि किसके द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 लॉन्च किया गया है, तो ये दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। और अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा उसकी अध्यक्ष है, याद रखेंगे। और दोस्तों ये क्यों लॉन्च किया गया है, तो महिलाओं को डिजिटली शिक्षा देने के लिए लॉन्च किया गया है। देखिए, किस राज्य ने जो है पेशा, ठीक है, पंचायत विस्तार अधिनियम को लागू किया है, तो दोस्तों ये लागू किया है मध्य प्रदेश ने। और नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों कि आरएल कश्यप का निधन हुआ, वे कौन थे, तो ये एक जो है गणितज्ञ थे, ये याद रखेंगे। और महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था, तो दोस्तों ये आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश के भोपाल में। नेक्स्ट है कि $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन बनी है, तो जो जेफ बेजोस की अमेजॉन कंपनी है वो बनी है। तो दोस्तों अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। और देखिए, किसी कारणवश जो है लिंक कभी कभी काम नहीं करता है टेलीग्राम का, तो आप लोग चैनल के नाम से उसको सर्च कर लिया करिए, स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से आप सर्च कर लीजिए, तो आपको चैनल वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं एक बार फिर से कहता हूं कि आज के लाइक का टारगेट हम लोग रखते हैं 1000। 1000 लाइक आज चाहे जैसे हो जाना चाहिए, आप लोग लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों एपिलेप्सी डे जो है इसे बोलते हैं। तो ये मिर्गी दिवस आपका मनाया जाता है 17 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 17 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर इसके बारे में बात करें, देखिए जो एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, इसी ने जो है इसकी स्थापना की थी इस दिवस की। तो एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो डॉक्टर निर्मल सूर्या ने 2009 में कहां पर, मुंबई महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों जो लोगों का जीवन है उसकी गुणवत्ता में सुधार करना, और जो मिर्गी के प्रति लोगों की धारणाएं हैं उसको बदलने के लिए ये किया जाता है। यहां पर हो रहा है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। बात करें अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है, तो जो फरवरी का दूसरा सोमवार होता है, ठीक है, फरवरी का जो दूसरा सोमवार होता है उसी दिन मनाया जाता है। अब की बार कब मनाया गया था, तो 14 फरवरी को अब की बार का मिर्गी दिवस, अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया था। तो याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस 14 फरवरी और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर, ये दोनों दिवस आपको अलग अलग याद कर लेने हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नवंबर के जितने भी दिवस है उसका रिवीजन कर लेते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, केरल पिरवी दिवस, कर्नाटक राज्योत्सव दिवस, और भी बहुत सारे राज्यों का जो है स्थापना दिवस उस दिन मनाया गया है। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, शिशु संरक्षण दिवस, 8 नवंबर को गुरु नानक जयंती और विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, और 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस और निमोनिया दिवस मनाया जाता है, 13 को दयालुता दिवस, 14 नवंबर को मधुमेह दिवस और बाल दिवस मनाया जाता है। चलिए मधुमेह की बात करें, तो किसकी कमी से मधुमेह जो है होता है, याद बताइएगा, मतलब कोई हार्मोन होगा जिसकी कमी से मधुमेह जो है रोग होता है, तो वो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिएगा।
15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस और झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है, और 16 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन था मधुमेह किसकी कमी से, तो दोस्तों जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, शर्करा या ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो उसी की वजह से मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा नवंबर के दिवस का रिवीजन, और आप रोज रोज रिवीजन इसलिए किया करिए क्योंकि ये चीजें आपको रोज रोज पढ़ने से याद हो जाएंगी, दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 17 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में काशी तमिल संगम उत्सव का आयोजन शुरू किया गया है, तो ये एक माह तक चलेगा, कितने एक माह तक चलेगा दोस्तों, कहां, तो देखिए काशी तमिल आपको पता ही है, काशी मतलब वाराणसी, तो कहां पर किया गया है, वाराणसी में किया गया है, काशी तमिल संगम उत्सव का आयोजन शुरू किया गया है, याद रखेंगे। और दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो ये एक महीने तक चलेगा काशी तमिल संगम उत्सव, और अब ये जो है आजादी का अमृत महोत्सव का एक भाग के रूप में मनाया जा रहा है, और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए मनाया जा रहा है। देखिए दोस्तों यूपी में हिंदी बोली जाती है और तमिल जो है बोली जाती है तमिलनाडु में, तो अगर इसे हम देखें तो ये भाषाई आधार पर दो अलग अलग क्षेत्रों को एक साथ लाने का काम भी कर रहा है, और कौन इसका उद्घाटन करेंगे, तो नरेंद्र मोदी जी जो है इसका उद्घाटन करेंगे। और दोस्तों बात करें इसमें कि जो ज्ञान भागीदार इसमें कौन कौन है, तो ज्ञान भागीदार आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन इसमें ज्ञान भागीदार है, तो BHU जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है और IIT मद्रास जो है, ये दोनों इसमें ज्ञान भागीदार के रूप में शामिल हो रहे हैं, तो याद करिएगा ज्ञान भागीदार BHU मतलब एक उत्तर प्रदेश का और IIT मद्रास जो है ये कहाँ का दोस्तों, ये तमिलनाडु का है। तो IIT मद्रास के बारे में देखिए, बौद्धिक संपदा पुरस्कार, ठीक है, बौद्धिक संपदा अवार्ड जो है 2021 और 2022 दोनों किसने जीता है, तो ये जीता है जो है मद्रास ने जीता है, तो ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। मद्रास मतलब चेन्नई जो वर्तमान में आप जानते हैं ना, पहले मद्रास से ही जानते थे इसे, तो ये IIT मद्रास कहाँ का है, तमिलनाडु का है, तो याद रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो ऑप्शंस के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि ये कौन आयोजित कर रहा है, तो भारत का जो शिक्षा मंत्रालय है वो इसका आयोजन कर रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लखनऊ में पहला नाइट सफारी, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहां पर, लखनऊ में। चित्रकूट में जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ठीक है, भारत का 53वां और यूपी का 4वां टाइगर रिजर्व बना है। और मथुरा और वृंदावन, ठीक है, मथुरा और वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य कब तक कर रखा गया है, तो 2041 का लक्ष्य रखा गया है, तो ये ऑप्शंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। वाराणसी में काशी तमिल संगम उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, वाराणसी के बारे में देखिए। GI महोत्सव कहां पर, वाराणसी में आयोजित किया गया। और बात करें कि जो SCO की सांस्कृतिक राजधानी है वो क्या है, तो दोस्तों वो वाराणसी शहर को बनाया गया है। तो इतनी सारी चीजें आपकी रिवीजन में। अब यहां पर और कुछ रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, तमिलनाडु की बात आ गई थी तो वहां से ये सारे जो मैंने ऑप्शंस रखे थे यूपी के थे, तो यूपी का रिवीजन हो गया। आप तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य कहां पर, तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया। खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तो तंजावुर तमिलनाडु में। और दोस्तों अगर बात करें कि मिड डे मील के साथ जो है नाश्ता की योजना, तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा देश का पहला डुडोंग संरक्षण अभयारण्य कहां पर, तमिलनाडु में ही जो है बनाया जा रहा है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय पहले ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया, तो 3 दिवसीय ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है और ये पहला आयोजन है, तो दोस्तों ये कहां पर, तो ये है अबू धाबी में। अबू धाबी UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, अबू धाबी यहीं पर किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा कि भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है, तो अपूर्वा चंद्रा जो है, ठीक है, अपूर्वा चंद्रा ये क्या है दोस्तों, तो ये जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है भारत का, उसकी सचिव है। कौन, अपूर्वा चंद्रा जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय की सचिव है, तो ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हम लोग की बात हो रही है किसके बारे में, बात हो रही है UAE के बारे में, तो चलिए UAE के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए
यूएई की राजधानी मैंने बताया कि ये अबू धाबी है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, अबू धाबी है दोस्तों। और बात करें कि मुद्रा क्या है, तो अमीरात दिरहम यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के अगर राष्ट्रपति की बात करें तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो है यहाँ के राष्ट्रपति है। तो ये आपने तीन चीजें देख ली, यहाँ की राजधानी, मुद्रा और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, ये तीन चीजें आपने देख ली, ठीक है। तो अबू धाबी में जो है ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दुबई, तो दुबई भी यही का एक शहर है, यूएई का ही शहर है, जहां पर COP28 की बैठक आयोजित की जानी है, ये भी आप याद रखेंगे। कतर की बात करें तो कतर में दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा, कब से, 20 नवंबर 2022 से फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। शर्म अल शेख कहां का है, मिस्र का शहर है, जहां पर COP27 की बैठक वर्तमान में आयोजित की गई है। तो ये भी आप याद रखेंगे 2022 में COP27 की बैठक कहां पर, मिस्र के शर्म अल शेख शहर में की गई है। तो इतनी सारी चीजें आपको उम्मीद करता हूं कि एकदम बेहद अच्छे से याद हो गई होंगी। अब देखते हैं दोस्तों कुछ और आपके लिए रिवीजन है, इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किसने की, तो नई दिल्ली, यहीं पर जो है पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स भी लॉन्च किया गया है। बात करें 91वीं बैठक होगी तो कहां पर, ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित की जाएगी। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो कहां पर, तो ये चेन्नई में आयोजित किया गया है, तमिलनाडु के चेन्नई में। तो यहां से संबंधित मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई है, तो अब यहां पर मैं और नहीं बता रहा हूं, ठीक है। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 12वां डिफेंस एक्सपो कहां पर, तो गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहां पर, तो नवी मुंबई में। और दोस्तों COP27 की बैठक शर्म अल शेख शहर मिस्र में। COP28 की बैठक कहां पर होगी, तो ये दोस्तों होगी आपकी संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में, अभी मैंने पीछे आपको बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, तो अभी दोस्तों देखिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे, तो ये थे जगदीप धनखड़। क्या हुआ दोस्तों कि ये उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त कर लिए गए, चुन लिए गए, ठीक है। तो इनकी जगह पर जो मणिपुर के राज्यपाल थे, कहां के, मणिपुर के जो राज्यपाल थे लाल गणेशन अय्यर, इनको कैसा बनाया गया, इनको जो है कार्यभार दे दिया गया, ठीक है। अब इनकी जगह पर परमानेंट किसे बना दिया गया है, तो सर डॉक्टर सीवी आनंद बोस जो है इनको जो है परमानेंटली बना दिया गया है। और दोस्तों ये क्या थे, तो ये भारत सरकार के, ठीक है, भारत सरकार के सलाहकार या सचिव भी रह चुके हैं, ठीक है। तो भारत सरकार के सचिव भी रह चुके हैं और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है, कौन, सीवी आनंद बोस। तो इन्हें 22वें राज्यपाल के रूप में पश्चिम बंगाल के नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। और दोस्तों अगर हम बात करें कि किसने नियुक्त किया है, तो इनको नियुक्त किया है जो भारत की राष्ट्रपति है वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए राज्यपाल की बात हो रही है, तो कुछ हम राज्यपाल को देख लेते हैं कि कैसे नियुक्त किया जाता है, इनके बारे में थोड़ा सा संविधान की चीजें। देखिए अनुच्छेद 153 में किसके बारे में दिया गया है, राज्यपाल के बारे में दिया गया है। और 155 में इनकी नियुक्ति के बारे में दिया गया है कि कौन नियुक्ति करेगा, तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगी। और दोस्तों अगर बात करें कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आपसे वर्ष पूछा जाता है, तो आप तुरंत बताएंगे कि 35 वर्ष जो है इनकी आयु होनी चाहिए। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो इनको उससे पहले भी बर्खास्त कर सकता है, ठीक है। ये तीन चीजें जो है आपको अच्छे से याद करनी है। चलिए नेक्स्ट, और कुछ रिवीजन है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए सीएमडी प्रदीप सिंह खरोला बने हैं। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है, तो रुचिरा कंबोज। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अतुल कुमार गोयल बने हैं। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बनी है, ये बनी है संगीता वर्मा। तो ये नियुक्ति से आपका रिवीजन रहा है, तो इसे भी आप देख लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ITTF मतलब अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं, तो एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं, तो दोस्तों हाल ही में इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है,
ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित, अब की बार 2022 में इनको नामित किया गया है और इन्हें सम्मानित किया जाएगा 30 नवंबर को। तो अचंता शरत कमल जो है किससे संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है, तो याद रखेंगे इनको ही जो ITTF है उसमें एथलीट आयोग में इनको चुना गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों, आपका बी वाला उत्तर एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप बात हो रही है अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की, तो देख लेते हैं कि ये जो है 1926 में इसकी स्थापना हुई है, कहां पर, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में, और बात करें कि अध्यक्ष कौन है, तो पेट्रा स्टोरलिंग जो है वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे एथलीट आयोग में कौन चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं दोस्तों अचंता शरत कमल, और इन्हें ही 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारे क्वेश्चंस आपको एकदम अच्छे से याद हो जा रहे होंगे। ठीक है, चलिए बात हो रही है लवलीना बोरगोहेन, तो अभी आपने, मैंने पढ़ाया था कि एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, और दोस्तों अगर बात करें कि अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ की अध्यक्ष कौन बनी है, तो यही बनी है, कौन, अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ की अध्यक्ष कौन बनी है, तो लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ की क्या है, अध्यक्ष बनाई गई है लवलीना बोरगोहेन, तो याद रखेंगे। और दोस्तों अगर फीडे के उपाध्यक्ष की बात करें तो विश्वनाथन आनंद जो है ये फीडे के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, विश्वनाथन आनंद, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में मेटा ने किसे भारत के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, तो अभी आपने देखा था कि जो मेटा के, ठीक है, जो नीति निदेशक थे राजीव अग्रवाल, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्या था, नीति निदेशक जो थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और दोस्तों अगर बात करें अभिजीत बोस जो इंडिया कंट्री हेड थे, कौन थे, कंट्री हेड थे किसके, व्हाट्सएप के, ठीक है, व्हाट्सएप के कंट्री हेड थे अभिजीत बोस, इन दोनों लोगों ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों मेटा ने भारत में उपाध्यक्ष के रूप में इसके बाद किसे नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया है संध्या देवनाथन को, किसे नियुक्त किया है, संध्या देवनाथन को नियुक्त किया है दोस्तों, तो ये चीज आप याद रखेंगे, किसे नियुक्त किया, संध्या देवनाथन को। ऋतुराज अवस्थी जो है दोस्तों विधि आयोग के अध्यक्ष, किसके अध्यक्ष, विधि आयोग के अध्यक्ष, और अब की बार का विधि आयोग कौन सा है, तो 22वां विधि आयोग है, कौन सा है दोस्तों, 22वां विधि आयोग है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और 22वां अभी मैंने बताया कि 22वें राज्यपाल पश्चिम बंगाल के कौन बने हैं, तो जो डॉक्टर बोस जी है वो बने हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है, तो दोस्तों देखिए पूर्णकालिक सदस्य की बात हो रही है, तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं अरविंद बिरमानी, कौन बने हैं दोस्तों, ये अरविंद बिरमानी बने हैं नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, और ये मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रहे हैं भारत सरकार के, किसके, भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं अरविंद बिरमानी, वर्तमान में ये नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य चुन लिए गए हैं। सुमन के बेरी जो है, देखिए मैं आपको चीजें एक एक करके बताता हूं, सुमन के बेरी वर्तमान में नीति आयोग के क्या है दोस्तों, उपाध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष जो भी प्रधानमंत्री पद पर होता है वो होता है, वर्तमान में सीईओ कौन है, परमेश्वरन अय्यर है, और अरमाने गिरिधर की बात करें तो ये हाल ही में कौन से सचिव, रक्षा सचिव नियुक्त किए गए हैं अरमाने गिरिधर, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। नीति आयोग की बात हो रही है, स्थापना कब हुई नीति आयोग की, 1 जनवरी 2015 को, किसने की, नरेंद्र मोदी जी ने की, किसकी जगह पर, तो योजना आयोग की जगह पर, इसे भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, चलिए, और नीति आयोग ने ही एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, कौन सा, ई अमृत पोर्टल, ई अमृत पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपने ऑप्शंस के बारे में भी देख लिया, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन के बेरी, सीईओ कौन है, परमेश्वरन अय्यर है, और अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष है। चलिए कुछ और जो है हम लोग फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने, तो अभी मैंने इतनी बार इसको याद करा दिया है,
अब तो आप भूलेंगे ही नहीं। ऋतुराज अवस्थी वर्तमान में महालेखा नियंत्रक कौन बनी है? तो भारती दास वर्तमान में महालेखा नियंत्रक बनी है। महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमणी जो है वर्तमान में महान्यायवादी है। और मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है दोस्तों? तो राजीव कुमार जी जो है वो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो ये भी आपको याद होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट की बात हो रही है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का शुभारंभ किया गया है कहां पर? तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का शुभारंभ दोस्तों किया गया है, ये किया गया आपका मिजोरम में। कहां पर? मिजोरम में। मिजोरम में भी बात करें तो मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल, तो यहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया गया, कब किया गया है? तो 17 नवंबर को किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, तो ये दोस्तों पूर्वोत्तर जो भारत के राज्य है उनमें जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, सुगमता को बढ़ाने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन वहां पर किया जाता है, आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो अब की बार जो है आयोजित किया गया है मिजोरम में। मिजोरम में बात करें तो मिजोरम की राजधानी आइजोल में इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। अब ऑप्शंस पर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए असम की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों असम में हाल ही में कटी बिहू मनाया गया था। क्या मनाया गया था? कटी बिहू उत्सव मनाया गया था। मणिपुर की बात करें तो 3 उत्सव, देखिए कौन कौन सा, एक है संगाई महोत्सव, एक है अमूर फाल्कन महोत्सव, ठीक है, और एक आपका है सिरुई लिली महोत्सव। ये सब कहां पर मनाया गया? ये सब है मणिपुर में मनाया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और मणिपुर में ही एक जो है झील है, कौन सा, देखिए, जहां पर एकमात्र भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है दोस्तों? तो ये है आपका केबुला लाम जाओ। क्या नाम है? केबुला लाम जाओ। और ये किस जो है झील में है? तो झील का नाम दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख देना है कि कौन सी झील में है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए कि किस झील में है। नागालैंड की बात करें तो दो चीजें मैं बार बार आपको याद कराता हूं, एक है पेपरलेस विधानसभा, पहली विधानसभा नागालैंड की, और एक है जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल, कहां पर? तो नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें अब तो उम्मीद करता हूं कि आपको याद ही हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। मैंने पूछा केबुला लाम जाओ कहां पर है, तो मणिपुर के लोकटक झील में, ठीक है, कहां पर? मणिपुर के लोकटक झील में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बाजरा मिशन शुरू किया गया? देखिए बाजरा मिशन इससे पहले भी शुरू किया जा चुका था, कहां पर? अगर आपको याद हो तो छत्तीसगढ़ में इससे पहले भी बाजरा मिशन एक चलाया जा चुका है, ठीक है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए। वैसे वहां पर जो था वो बाजरा का मूल्य जो है उचित मूल्य दिलाने के लिए था, और ये जो है किसानों की आय दोगुना करने के लिए, वैसे इसका नाम आपको मिलेगा ना, असम बाजरा मिशन। क्या है? असम बाजरा मिशन मिलेगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 2022 में कहां पर बाजरा मिशन शुरू किया गया है, तो आप तुरंत उत्तर बताएंगे दोस्तों, कहां पर? असम में शुरू किया गया है। कहां पर शुरू किया गया दोस्तों? असम में। और असम के जो है सीएम कौन है? तो हेमंत बिस्व शर्मा है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो प्रोफेसर जगदीश मुखी है। और असम की राजधानी आपको पता ही है, दिसपुर यहाँ की राजधानी है, ठीक है। तो असम के बारे में मैं आपको और भी कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। फिश वाले ऐप किसने लॉन्च किया? तो असम के द्वारा। नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप किसने लॉन्च किया? तो असम ने लॉन्च किया। और महापाषाण काल के जो पत्थर के घड़े मिले हैं, कहाँ पर? असम के दीमा हसाओ जिले में मिले हैं, तो ये भी आपको याद ही होंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई असम की बात। मेघालय की बात करते हैं, तो हाल ही में यहां पर मेघा कयाक फेस्टिवल मनाया गया। कहां पर? मेघा कयाक फेस्टिवल मनाया गया मेघालय में, तो ये भी आप याद रखेंगे। और मेघालय की एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यूनेस्को की अस्थाई धरोहर की सूची में शामिल की गई है, तो उसका नाम आप लोग जाकर के कॉमेंट बॉक्स में लिख डालिए, एकदम तेजी से लिख डालिए, ठीक है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों अभी मैंने बताया कि पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्वा पार्क क्या है? एक्वा पार्क कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में जो स्थापित किया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर ए आर रहमान बनाए गए हैं।
और जो यहाँ एक तितली थी, कौन सी? ब्लू ड्यूक तितली। कौन सी तितली? ब्लू ड्यूक तितली, जिसे राज्य तितली घोषित किया गया है। ब्लू ड्यूक तितली को राज्य तितली भी घोषित किया गया है, तो ये भी आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। एक और है दोस्तों, वालोंग मेला जो है वो कहां पर? तो वालोंग मेला भी अरुणाचल प्रदेश में ही जो है इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो वालोंग मेले का आयोजन कहां पर भारतीय सेना द्वारा किया गया था? अरुणाचल प्रदेश में ही। तो दो चीजें अरुणाचल प्रदेश के बारे में और सिक्किम के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से कहां स्थानांतरित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है वो स्थानांतरित करके कहां पर किया जाएगा? तो ये दोस्तों किया जाएगा हल्द्वानी में। कहां पर? बी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, हल्द्वानी में किया जाएगा। दोस्तों उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। कौन है दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी जो है वो यहाँ के वर्तमान में सीएम है। तो ये भी आप याद रखेंगे, बस आपको ये याद रखना है उच्च न्यायालय कहाँ जा रहा है, तो नैनीताल से हैदराबाद, हल्द्वानी जा रहा है, हैदराबाद नहीं, हल्द्वानी जा रहा है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर है देहरादून, तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है। क्या है? वन अनुसंधान संस्थान है। और इसकी दूसरी महिला निदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है रेणु सिंह। कौन बनी है? तो रेणु सिंह बनी है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, उत्तराखंड विधानसभा की, ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? महिला स्पीकर कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है रितु खंडूरी। कौन बनी है? रितु खंडूरी बनी है। तो ये भी आप उत्तराखंड के बारे में याद रखेंगे। अगला 11वां प्रश्न, कहां जियो स्मार्ट इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो कहां किया गया है, एक किसने किया है। तो कहां किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। किसने किया है? तो जो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके द्वारा किया गया है। दो चीजें आपने याद कर ली, ठीक है। कौन कौन सा? जियो स्मार्ट इंडिया शिखर सम्मेलन कहां पर? तो ये आयोजित किया गया हैदराबाद में। किसने किया है इसका उद्घाटन? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। जियो स्मार्ट की बात हो रही है, तो ये जियो सिम वाला जियो नहीं है, जियो मतलब पृथ्वी के बारे में है, ठीक है। तो मतलब पृथ्वी के अध्ययन के बारे में है और उससे संबंधित और भी जो चीजें हैं उसके बारे में है, तो ये आप याद रखेंगे, डन है। चलिए अब मैं यहां पर हैदराबाद की बात हो रही है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चीजें आपको बताता हूं। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी किसकी है? रामानुजाचार्य की। और कहां पर दोस्तों? तो हैदराबाद में लगाई गई है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, ठीक है, याद रखेंगे। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहां पर लगाई गई है? तो हैदराबाद में लगाई गई है। बात करें दोस्तों कि हैदराबाद की एक डिश है, कौन सी? हैदराबादी हलीमा। क्या है? हैदराबादी हलीमा को जो है कौन सा बेस्ट जीआई अवार्ड भी दिया गया है। कहां को? हैदराबाद की जो एक डिश है हैदराबादी हलीमा। तो दो चीजें आपको यहां पर एकदम बेस्ट तरीके से याद कर लेनी है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहीं पर हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे में ही 2022 का विंग्स इंडिया का आयोजन किया गया था, जिसका विजेता केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना था, बेंगलुरु वाला, ठीक है। चेन्नई की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों चेन्नई में क्या किया गया है? अभी आपने देखा था कि जो ड्रोन फेस्टिवल, ड्रोन एक्सपो का आयोजन किया गया था, वो कहां पर? पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो चेन्नई में। बेंगलुरु की बात करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन बेंगलुरु में, और डिजिटल वाटर डेटा बैंक भी कहां पर? बेंगलुरु में। कोलकाता की बात करें तो पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां पर चलाई गई है? कोलकाता में चलाई गई है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में IIM अहमदाबाद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों पहले थे मंगलम बिड़ला। कौन थे? मंगलम बिड़ला। इनकी जगह पर कौन बन गए हैं? तो पंकज पटेल जो है ये जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष बन गए हैं, तो याद रखेंगे पंकज पटेल अहमदाबाद के अध्यक्ष जो है IIM अहमदाबाद के अध्यक्ष बन गए हैं। ऑप्शन पर डिस्कस कर लेते हैं, एम जगदीश कुमार, ये क्या है दोस्तों? तो ये है आपके UGC के अध्यक्ष। और समीर बी कामत की बात करें तो वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत है। अब कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं कि नताशा पिर्क मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो स्लोवेनिया की बनी है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक, ठीक है,
कैटलिन नोवाक। मैं कहता हूं दोस्तों कि जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको याद होगा। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे से लिखते हैं, तो आप भी कोशिश करिए कि बहुत अच्छे से लिखिए। इटली की कौन बनी है पहली महिला प्रधानमंत्री, तो जॉर्जिया मेलोनी बनी है। और फ्रांस की वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो ये एलिजाबेथ बोर्न जो है, देखिए ये पहली तो नहीं है लेकिन वर्तमान में महिला प्रधानमंत्री है और आई थिंक दूसरी ये महिला प्रधानमंत्री फ्रांस की बनी है। तो याद रखिएगा दोस्तों एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की प्रधानमंत्री है। आज का आपका प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो गीता महोत्सव का आयोजन आपको बताना है दोस्तों। चार आपके सामने ऑप्शंस हैं, चारों के बारे में एकदम अच्छे से आप डिस्कस करके लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।